कोरोना वायरस के कहर से यूरोप में सबसे ज्यादा इटली प्रभावित हुआ। यूरोप में सबसे पहले लॉकडाउन भी इटली में ही हुआ था। हजारों लोगों की मौत के बाद वहां के लोगों में निराशा बढ़ती जा रही। इस माहौल के बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रही जो हैरान करने वाली। इन तस्वीरों में इटली के लोगों ने हताशा में अपने पैसे गलियों और सड़कों पर फेंकने शुरू कर दिए। इन तस्वीरों के साथ जो कैप्शन लिखे जा रहे हैं उसमें कई लोगों का कहना है कि जब सगे संबंधी ही नहीं बचे और इस तरह के लॉकडाउन में ही जीना है तो पैसों को रखने का क्या लाभ है, पैसों की कोई जरूरत नहीं रही। अब सवाल उठता है कि क्या इन तस्वीरों में रत्ती भर भी सच्चाई है। आइए आपको इन तस्वीरों के सच से रूबरू करवाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर सड़कों पर पैसे फेंकने की जो तस्वीरें तैर रही हैं वो हैं तो सही, लेकिन उनका इटली से कोई वास्ता नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह की तस्वीरें मार्च 2019 से ही इंटरनेट पर वायरल हो रही और उस दौरान दुनिया ने कोरोना वायरस नाम का शब्द भी नहीं सुना था। तो फिर पैसे फेंकने के मामले की सच्चाई क्या है? दरअसल बदहाली से जूझ रहे लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला ने अगस्त 2018 में अपनी करेंसी को बदलने का फैसला किया, लिहाजा उन्होंने अपनी पुरानी करेंसी बोलिवर फरते की जगह पर बोलिवर सोवेरानो चलाने का फैसला किया। जब पुरानी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह गई तो वेनेजुएला के लोगों ने उन नोटों को रद्दी के रूप में सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि उस दौरान ऐसी रिपोर्ट भी आई थी कि वेनेजुएला में कुछ लोगों ने एक बैंक को लूटा और उसके नोटों को ये साबित करने के लिए जला दिया कि अब उनका कोई मूल्य नहीं रह गया। तो इस लिहाज से पिछले एक साल से सड़कों पर पैसे फेंकने की तस्वीरें इंटरनेट पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसे कोरोना की वैश्विक महामारी से जोड़कर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं।